साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों आज हम आपके बीच बात करेंगे वलामाइसिन सस्पेंशन। साथियों वलामाइसिन सस्पेंशन क्या है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे, यूजेस की बात करेंगे, साइड इफेक्ट की बात करेंगे एंड हाउ टू वर्क वलामाइसिन सस्पेंशन इन द बॉडी। साथ ही साथ इंट्रेक्शन की बात करेंगे, डोज, कंट्रा इंडिकेशन एंड प्रिकॉशन की बात करेंगे। साथियों सबसे पहले जानेंगे वलामाइसिन है क्या। साथियों वलामाइसिन एक ब्रांड है जो कि वैलेस फार्मास्यूटिकल कंपनी का है। जो इसका कंपोजिशन है साथियों, कोलिस्टीन सल्फेट ओरल सस्पेंशन है, 12.5 mg 5 ml में होता है। साथियों इसके अंदर कांच की एक बोतल होती है और वाटर फॉर इंजेक्शन होता है, उसको ऐड कर लेते हैं और ये सीरप तैयार हो जाता है। साथियों इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथियों सबसे पहले जानेंगे डिस्क्रिप्शन। वलामाइसिन सस्पेंशन इज एन एंटीबायोटिक। साथियों ये एक एंटीबायोटिक है दैट फाइट्स बैक्टीरिया, और ये क्या करता है बैक्टीरिया के विरुद्ध जो है वर्क करता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को और उसको इनहेबिट करता है, ग्रोथ को और उसको किल करता है। इट इज़ यूज टू ट्रीट सर्टेन टाइप ऑफ सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन। और साथियों क्या होता है, किसी तरह का विकार जो है बैक्टीरिया की वजह से पेट में या आंत में हो जाता है, उसमें उपयोग करने वाली एंटीबायोटिक है। विच आर नॉट रिस्पॉन्ड टू अदर एंटीबायोटिक। जब दूसरी एंटीबायोटिक जो है वर्क नहीं करती हैं, ऐसे केस में जो है वलामाइसिन एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। साथियों इट वर्क्स बाय किलिंग द बैक्टीरिया दैट कॉज द प्रॉब्लम। कहने का मतलब है बैक्टीरिया को किल कर देता है और उससे क्या होता है कि बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है और समस्या दूर हो जाती है और प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। साथियों जो इसकी MRP है साथियों, ये देखिए 47.25 rupees है। साथियों ये डॉक्टर फिजिशियन या पीडियाट्रिशियन के प्रिस्क्रिप्शन से ही मिलती है क्योंकि ये शेड्यूल H की दवा है। साथियों बहुत ही अच्छी ये मेडिसिन है। साथियों जैसा कि बताया, साथियों इसका यूजेस की बात करेंगे तो सेवरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल होता है, जैसे कि स्टमक और इंटेस्टाइन में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें इसको इस्तेमाल करने वाली दवा है। बच्चों को जैसे लूज मोशन होता है उसमें इस्तेमाल करते हैं। साथियों क्या होता है कि कभी कभी जो है जैसे दस्त लग जा रहा है, दस्त होती है, साथ ही साथ क्या होता है सर्दी, जुखाम और खांसी भी आती है, ऐसे केस में वलामाइसिन जो है एंटीबायोटिक वर्क करती है। साथियों कभी कभी क्या होता है छोटी छोटी बच्चियाँ जो होती हैं जैसे 2.5 से 3 साल या 4 साल की, उनको UTI प्रॉब्लम हो जाता है, ऐसे केस में क्या होता है वलामाइसिन एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है और उनको आराम मिल जाता है। साथियों इसके और भी बहुत से यूजेस है, डॉक्टर अपने विवेक से इसको जो है प्रिस्क्राइब करते हैं। साइड इफेक्ट की बात करेंगे साथियों, ये बच्चों में इस्तेमाल करने से देखा गया साइड इफेक्ट नोजिया, डायरिया हो जाती है, कभी कभी वोमिटिंग होने लगती है, हेडेक होता है और स्किन रैशेस पड़ जाते हैं। साथियों ये इसके कुछ हल्के फुल्के साइड इफेक्ट हैं। साथियों ये बच्चों की बॉडी में वर्क कैसे करता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, हाउ वलामाइसिन ओरल सस्पेंशन वर्क्स। तो साथियों वलामाइसिन एंटीबायोटिक आपको बताया है साथियों, जैसा कि ये क्या है कि जो है एंटीबायोटिक है दैट किल्स और डिस्ट्रॉय दी बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है उसको जो है ब्रोकन कर देता है। तो कहने का मतलब वर्क कैसे करता है, वलामाइसिन सस्पेंशन इज एन एंटीबायोटिक, इट किल्स बैक्टीरिया बाय डिस्ट्रॉइंग दी बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर देता है, उससे क्या होता है बैक्टीरिया की ग्रोथ खत्म हो जाती है। साथियों इंट्रेक्शन की बात करेंगे तो जब भी बच्चे को डॉक्टर को दिखाने जाते हैं या फार्मासिस्ट को दिखाते हैं, पीडियाट्रिशियन को दिखाते हैं, अगर बच्चे को पहले से इस दवाई को दिया है तो हाइपर सेंसिटिविटी है या जो है कोई अगर पहले से कोई दवा चल रही है तो वो ज़रूर बताएं, या कोई बीमारी है जैसे वैनकोमाइसिन अगर बच्चे को दवा चल रही है, या लीवर कॉलरा वैक्सीन लग रही है बच्चे को, या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन लग रही है, या बच्चे को पहले से कोई बीमारी जैसे मान लो कोलाइटिस है, ऐसे केस में जो है वलामाइसिन एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। साथियों डोज की बात करेंगे तो वेट और एज पे जो है इसका डोज निर्भर करता है। अदरवाइज 2.5 से 3 साल का बच्चा है तो मान के चलो 5 ml सुबह और 5 ml शाम, दिन में 2 बार ये एंटीबायोटिक 3 से 5 दिन तक ये जो है दिया जाता है। कंट्रा इंडिकेशन की बात करेंगे, जैसा कि अभी बताया था साथियों हाइपर सेंसिटिव है अगर इसको दिया, एनुरिया मतलब है एब्सेंस ऑफ यूरिन है, अगर बच्चे को यूरिन नहीं हो रहा है पहले से तो ऐसे केस में इस एंटीबायोटिक को नहीं देंगे। पोरफायरिया
पोरफायरिया में साथियों क्या होता है कि जैसे एक तरह की बीमारी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, सीना जकड़ जाता है, खांसी आने लगती है, तो यूरिन नहीं होता है, बहुत तरह के इसी तरह के सिमिलर लक्षण होते हैं। तो वो बीमारी होती है तो उसमें नहीं दिया जाता, और जिन बच्चों को मायस्थीनिया ग्रेविस होता है उनको ये जो है एंटीबायोटिक नहीं दिया जाता है। साथियों अब प्रिकॉशन की बात करेंगे तो अगर जो है एनी हिस्ट्री ऑफ हिपेटिक लीवर से संबंधित बच्चे को प्रॉब्लम है तो उसमें ये एंटीबायोटिक वलामाइसिन नहीं दिया जाएगा, और रीनल इम्पायरमेंट फंक्शन है उसमें ये नहीं दिया जाएगा। साथियों 47.25 रुपीज़ का जो है वायलेस फार्मास्यूटिकल कंपनी का प्रोडक्ट है, केमिस्ट की दुकान पे सभी जगह आसानी से मिल जाएगा साथियों। तो साथियों इसी के साथ विराम देंगे, किसी तरह की क्वेरी आप हमें जरूर कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों नमस्कार।